नहीं जानता मैं अंदर की बातें, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, अगर आप कुछ गलत कर जाते हो ना तो आपके करियर में वो चीजें आ जाती है, और किसी के रोकने से कुछ चीजें होती नहीं। तो इतने सारे लोगों का विश्वास है, जैसे भी हो कोशिश करिए, आपके लिए वो बड़ी चीज नहीं है, आप चाहेंगे तो वो चीजें हो। तो फाइनली आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के बीच में खेसारी लाल यादव आ चुके हैं सपोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि आरजेडी से खेसारी लाल यादव ने अभी अभी बताया है कि पावर स्टार पवन सिंह को आरजेडी से चुनाव टिकट मिलना चाहिए लोकसभा के तरफ से, और पावर स्टार पवन सिंह को आरा से ही चुनाव लड़ना चाहिए, और बिहार में ही पावर स्टार पवन सिंह को राज करना चाहिए। तो उन्होंने साफ तौर से लाइव आ करके खेसारी लाल ने पूरा खुलासा कर दिया है, और उन्होंने बताया है कि पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी से यदि टिकट नहीं मिल रहा है तो उनको आरजेडी से जरूर टिकट मिलना चाहिए। और खेसारी लाल यादव ने इस बात को पूरी तरह से साबित भी कर दिए हैं, पावर स्टार पवन सिंह के लिए मैं तमाम सारे रास्ते से गुजर सकता हूँ, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह को मैं इस बार चुनाव टिकट दिला के रहूंगा आरजेडी से। और उन्होंने बताया है कि पावर स्टार पवन सिंह के लिए मैं किसी भी हद तक सकता हूँ और उनको चुनाव टिकट दिला सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल बंगाल से उनको टिकट मिलना था, लेकिन उन्होंने साफ तौर से ठुकरा दिया टिकट को, और आसनसोल से अब बिहार में आ चुके हैं पावर स्टार पवन सिंह, क्योंकि आसनसोल से उनको शत्रुघ्न सिन्हा से मुकाबला करना था, और उन्होंने साफ तौर से इस बात को ठुकराते हुए ट्विटर पर ट्वीट भी कर दिया कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद पावर स्टार बिहार में ही चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले बीजेपी या आरजेडी से। और उन्होंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है, उसके बाद में खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर के पावर स्टार पवन सिंह के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी का घोषणा कर दिए हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को आरजेडी में ही टिकट मिलेगा, आरजेडी से ही, और आरा से ही टिकट मिलेगा, बिहार से ही पावर स्टार पवन सिंह को टिकट मिलेगा। कहां पे जाएंगे दर दर के ठोकरे खाने, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से पावर स्टार पवन सिंह आते हैं और पावर स्टार पवन सिंह का बिहार में ही जलवा कायम रहता है। और खेसारी लाल यादव ने साफ तौर से लाइव आकर के इस बात का खुलासा कर दिया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिलना चाहिए या आरजेडी से मिलना चाहिए, या फिर किसके तरफ से पावर स्टार पवन सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।